वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लूथ योर शॉर्ट में एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भेड़िया फिल्म के साउथ डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में। आप लोगों को बताएंगे कि इस फिल्म को तेलुगु में कौन डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आप लोग वरुण धवन के डाई हार्ट फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर वरुण धवन की आने वाली सभी फिल्मों की लेटेस्ट अपडेट मिलती है। तो दोस्तों, वरुण धवन के सभी फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भेड़िया फिल्म को तेलुगु में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हैं गीता फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि इससे पहले कंतारा फिल्म को तेलुगु में डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हैं। मतलब कि कंतारा जो कि कन्नाड़ा की फिल्म थी, और उस फिल्म को तेलुगु में गीता फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसी तरह से भेड़िया हिंदी फिल्म है, और इस फिल्म को भी गीता फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हैं। मतलब कि उन्होंने कंतारा फिल्म का काफी शानदार प्रमोशन किया था, जिसके चलते लोगों के बीच में कंतारा फिल्म के लिए अच्छी खासी हाइप बनी हुई थी। और कंतारा जो कि तेलुगु में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म हो चुकी है, तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि गीता फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर जो कि भेड़िया फिल्म का भी काफी तगड़ा प्रमोशन करेगा, जिसके चलते भेड़िया तेलुगु में काफी बम्पर ओपनिंग लेगी। फिर इसके बाद ये फिल्म भेड़िया में ब्लॉकबस्टर कलेक्शन करेगी। मतलब कि भेड़िया फिल्म की साउथ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसे लेकर बिगेस्ट अपडेट आई थी और अच्छी अपडेट आई है। हालांकि दोस्तों, तमिल डिस्ट्रीब्यूटर भी भेड़िया फिल्म के लिए अच्छा ही हो, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि ये फिल्म तमिल और तेलुगु दोनों जगहों पर एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। बाकी दोस्तों, हिंदी में तो इस फिल्म का अच्छा खासा प्रमोशन चल ही रहा है। अब हम इस दिन का इंतजार है जब ये फिल्म 25 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर उतरेगी और सभी रिकॉर्ड तोड़ेगी। बाकी आप लोग कमेंट कर बताना, आप लोग भेड़िया फिल्म के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताना।